श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एमएस लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा सातवीं की सभी छात्राओं का मैं देसानी गीता स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा सात विषय हिंदी इकाई दो तब याद तुम्हारी आती है, जिसका साहित्य प्रकार है कविता और इस कविता के कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी है। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम इस कवि के परिचय को प्राप्त करें। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोइरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ था। विद्यार्थी मित्रों, कवि परिचय के बाद आज हम इस कविता का गान करेंगे और बाद में मैं आपको इस कविता के पठन के साथ इसकी समझूती दूंगी। तो आप सब इस कविता को ध्यान से सुनिए और साथ में इस कविता का गान भी करिए। विद्यार्थी मित्रों, हम सब ने कविता सुनी और साथ में उसका गान भी किया। अब हम इस कविता का कुछ संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें।
प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह के ताजगी भरे दृश्य बड़े प्यारे लगते हैं। इसी तरह वर्षा का मौसम भी बड़ा सुहावना होता है। प्रकृति के इन मनोहर रूपों की रचना ईश्वर ने की है, इसलिए इन्हें देखकर कवि को एक महान कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आ जाती है। अब हम इस कविता का पठन करके उसकी समझूती प्राप्त करेंगे। पहली पंक्ति है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक अपरिचित शब्द है सुबह। सुबह यानी कि प्रातःकाल अर्थात प्रभात, और दूसरा शब्द है चिड़िया। चिड़िया यानी कि पंछी, जिसको हम गोरैया यानी कि चकली भी कहते हैं। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब सुबह सुबह चिड़िया जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है, जो खुशी के गीत वो हमको सुनाती है। तब कवि कहते हैं कि कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। विद्यार्थी मित्रों, कली यानी कि फूल खिलता है उससे पहले का जो रूप होता है उसकी बात कही गई है। कवि कहते हैं कि जब सुबह सवेरे चिड़िया आकर चहचहाती है और खुशी के गीत गाती है, तब कलिया भी अपने दरवाजे यानी कि उसकी जो पंखुड़िया होती है वह खोलकर दुनिया पर मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू यानी कि सुगंध और लहर यानी कि तरंग, झोंका, पवन का। कवि कहते हैं कि जब कलिया भी अपनी पंखुड़िया खोलकर हंसती है, दुनिया को देखकर मुस्कुराती है, उसी वक्त खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। तब कवि कहते हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। इस काव्य पंक्ति में भी एक नया शब्द है, सृजनहार। सृजनहार यानी कि जो सृष्टि की रचना करता है वह ईश्वर, जिसको हमने जिसको जन्म दिया है उसकी बात कही है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, जब खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है, तब ईश्वर सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। इस पूरी पंक्ति को हम एक साथ देखें तो कवि कहते हैं कि जब चिड़िया सुबह सवेरे जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है और हमको सुना रही है, कलिया भी उसी दिन उसी वक्त अपने दरवाजे यानी कि अपनी पंखुड़ियाँ खोलकर दुनिया पर मुस्कुराने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है, तब कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, हे सृष्टि की रचने करने वाले सृजनहार, मुझे तुम्हारी याद आती है। दूसरी काव्य पंक्ति है, जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक अपरिचित शब्द है बिजली। बिजली यानी कि विद्युत। तो कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जब छमछम करती वर्षा की बूंदे गिरती है और चमचम करती बिजली चमकती है, तब मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। हरियाली यानी कि हरा भरा। कवि कहते हैं कि जब चमक चमक कर बिजली चमकती है, तब मैदानों में वनों में और बागों में हरियाली लहलहाने लगती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। कवि कहते हैं कि उसी वक्त ठंडी ठंडी हवा, और यहाँ पर एक अपरिचित शब्द है मस्ती। मस्ती यानी कि आनंद, उल्लास। ढोना यानी कि बोझ उठाना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठा कर ले आती है। तब कवि कहते हैं, हे जग के सृजनहार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है। जब ठंडी ठंडी हवा अपने साथ बहुत सारी मस्ती उठा कर लाती है, तब कवि कहते हैं कि यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु,
मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। इस पूरी काव्य पंक्ति को हम एक साथ देखें तो कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में छमछम कर वर्षा की बूंदें गिरती है और चमचम कर बिजली चमकती है। जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठा कर ले आती है, यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आती है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे।